फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज मैं अपनी नई टाटा नेक्सॉन को एक्सपीरियंस करने के लिए एक लंबे रोड ट्रिप पे लेकर के जाने वाला हूँ। जी हाँ, तो आज मैं अपने दो दोस्तों के साथ पुष्कर जाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यह कार पिछले महीने ही ली थी और अभी तक यह टोटल 342 किलोमीटर चली है, आप देख सकते हो। और ऑन एन एवरेज मेरी गाड़ी ने अभी 9 से 10 के बीच में माइलेज दिया है। ज़्यादातर मैंने यह गाड़ी अभी शहर के अंदर चलाई है, लोकल चलाई है, इसीलिए ज़्यादा माइलेज नहीं दिया है। तो आज मैं आपको बता दूं कि मैं अपने दो दोस्तों के साथ पुष्कर जा रहा हूं। जी हां, दिल्ली से पुष्कर जा रहा हूं और टोटल जो डिस्टेंस है यहां से वो है अराउंड 400 किलोमीटर का। तो आज देखते हैं कि मेरी जो नई कार है वह कितना माइलेज देती है, और भी ट्रिप से रिलेटेड और टाटा नेक्सॉन से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस करूंगा मैं, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आप इसको एंजॉय करोगे। तो गाइज, ज़्यादा देर ना करते हुए, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:24 और हम लोग अभी कुछ देरों में यहाँ से निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं मेरी नई नवेली कार जो टाटा नेक्सॉन है वो कितना माइलेज देती है और क्या क्या एक्सपीरियंस मेरे को देती है। तो नई नई कार को लंबे रास्ते पे लेकर के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका भी एक्सपीरियंस आज मेरे को मिल जाएगा। और अभी तक का जो माइलेज रहा है इस गाड़ी का वो अराउंड 9 से 10 के बीच में दिया है। तो आई होप कि आज हाईवे पे चलाएंगे तो अच्छी माइलेज देगी। तो आप देखते रहो वीडियो को और इंजॉय करो। तो गाइस, HP के पेट्रोल पम्प पर मैंने फ्यूल फुल टैंक करवा दी है अभी, और हम लोग अपने ट्रिप को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रिप बी को रीसेट कर देता हूँ, और रीसेट करने के लिए आपको दोनों को प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ से देखते हैं कि गाइस एक्चुअल माइलेज क्या आने वाला है। तो चलते हैं आगे, रास्ते में फिर आपसे बात करता हूँ, तब तक आप वीडियो को एंजॉय करो। तो अभी हम लोग 44 किलोमीटर चल चुके हैं दिल्ली से, और अभी जो गाड़ी ने माइलेज दिया है वो है 17.2 का, जो एवरेज माइलेज आया है 17.2 निकल करके। तो देखते हैं आगे क्या रहता है इस गाड़ी का माइलेज। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, मेरे साथ जा रहे हैं अर्जुन और अभिषेक। हम तीनों फर्स्ट टाइम कहीं ट्रिप पे निकले हैं घूमने के लिए, और जो मेन एक्सपीरियंस लेना है वो नई नई गाड़ी का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं कि क्या मज़ा आता है नई गाड़ी को ले करके किसी ट्रिप पे जाने का। तो एवरीथिंग मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, आप देखते रहो वीडियो को। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कर देना। हम लोग पहला स्टॉपेज फौजीदा ढाबा में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आगे की ओर चलते हैं। तो आज सैटरडे है, बहुत सारी ट्रैफिक है जयपुर के लिए, तो देखते हैं कितना टाइम हमें पुष्कर जाने में लग जाता है। और देखो गाड़ियाँ स्पीड से जा रही है। तो गाइस, हम लोग अभी जयपुर पहुंचने वाले हैं। आई थिंक 100 किलोमीटर और होगा यहाँ से, और पुष्कर का जो अभी टाइमिंग दिखा रहा है दैट इज 4:29 PM, मतलब शाम तक हम लोग पुष्कर पहुंचेंगे। देखते हैं कि आज कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं पुष्कर। और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है अभी तक। अभी जो एवरेज माइलेज निकल के आ रहा है वो है 16.2 का। बेसिकली क्या था कि जब हम मानेसर से आगे बढ़े थे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, इसकी वजह से हमारी माइलेज चली गई थी, एवरेज माइलेज अराउंड 12 के आसपास, जो अभी धीरे 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 करके अभी कवर हुआ है। फाइनली पुष्कर पहुँच करके बताता हूँ कि कितना गाड़ी ने माइलेज दिया है। बहुत बड़ा है यार ये होटल, हाईवे किंग। They talk like they got it, but they need to stop it.
I'm leading with logic, my heartbeat is frosted. I seen it, got optics I need it from Shawty. She mean with the top and it's obvious. They need him a target, I'm dodging in darts, make him reach for the stars. I'm dumping, I'm forcing the pun off the runs. I'm moving with. तो अभी हम लोग जयपुर पहुंचने वाले हैं और अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा गाड़ी चलाने का बहुत अच्छा था। 250 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला चुके हैं और नई गाड़ी का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत अच्छा रहा। अभी तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। गाड़ी का सस्पेंशन, रोड पे पकड़, स्टेयरिंग, एवरीथिंग परफेक्ट है। अभी गाड़ी अर्जुन ड्राइव कर रहा है और वो फील ले रहा है कि नेक्सॉन की ड्राइव क्वालिटी कैसी है। तो दिल्ली से जयपुर आने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली आज, कम से कम 1 से 1.5 घंटे हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे थे और अब तक 250 किलोमीटर चल चुके हैं। जो एवरेज गाड़ी की निकल के आई है सिटी मोड में वो 15.5 के लमसम में है और एग्जैक्ट हमें पता चलेगा जब हम फाइनली पुष्कर पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं, अभी 2 से 3 घंटे का ड्राइव और बता रहा है पुष्कर जाने में। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, कभी बारिश कभी धूप, और यहाँ से ही जयपुर से ही व्यू काफ़ी अच्छे मिलने लग गए हैं। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ आप देखोगे तो चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ देखने को मिल रही है। व्यूज़ काफ़ी अच्छा बन के आज आ रहा है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस रूट पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग पुष्कर पहुंच गए हैं और अभी हम लोग अपने होटल में जा रहे हैं चेक इन करने के लिए। और यहाँ का व्यू, तो रियली में पुष्कर का व्यू मानसून में बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग पुष्कर पहुंच गए हैं। थोड़ा लेट हो गया था हमें आने में, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए और बाहर कुछ पार्टी चल रही है होटल के अंदर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो गाइस, आज हमने टोटल 416 किलोमीटर ड्राइव किया दिल्ली से पुष्कर आने में और एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत अच्छा था। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चला, रोड पर पकड़ बहुत अच्छी थी, स्टेयरिंग कंट्रोल सस्पेंसन एवरीथिंग परफेक्ट था। और जो टोटल माइलेज जो निकल के आया है एवरेज गाड़ी का वो आप देख लो, वो टोटल आप अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो टोटल जो एवरेज निकल के आया है वो 16.4 किलोमीटर पर लीटर का है। तो टोटल 16.4 किलोमीटर का एवरेज निकल कर के आया है। रास्ते में 1 घंटे का जाम था, मानेसर से जैसे ही आगे बढ़े थे तो पूरा हाईवे चौक पड़ा था, तो 1 से 1.5 घंटे हम लोग जाम में फंसे रहे, फिर भी ये एवरेज निकला। तो बुरा नहीं है, एवरेज भी बहुत अच्छा है। तो अभी तक तो बहुत मज़ा आया, मेरे को ये पता चल गया टाटा नेक्सॉन बहुत अच्छी कार है। बहुत अच्छा लगा गाड़ी चला करके, और बाकी का रिव्यू मैं फिर लौटने वक्त दूंगा जब गाड़ी और ज़्यादा चलेगी। तो गाइस, कल हम लोग पुष्कर एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ के बारे में मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।